हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश ओवर चाय। आज के इस वीडियो में डिस्कशन होगा ऑन होमोनिम्स, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। अब होमोफोन्स थोड़ा सा सुना हुआ लगता है हमें, होमोफोन्स थोड़ा बहुत हम जानते हैं, बट ये होमोनिम्स क्या चीज है, ये होमोग्राफ्स क्या होता है, इसके बारे में उतनी नॉलेज ज्यादातर लोगों को नहीं होती है। तो इसीलिए आज मैं ये टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूं, ताकि इन तीनों चीजों के बारे में आपको पता चले कि ये होता क्या है और कैसे ये एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलिए होमोनिम्स जान लेते हैं कि ये होमोनिम्स क्या होता है। ये तीनों ही जो है, होमोनिम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, ये तीनों ही आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। इनके नाम में कुछ ऐसा वो सुनने में बहुत टफ लग रहा होगा शायद कुछ लोगों को, बट इतना टफ नहीं है। जब आप एक बार जान जाएंगे कि ये किन चीजों से बने, इनका क्या मतलब होता है, तो आपको इससे ज्यादा आसान चीज और कोई नहीं लगेगी। तो होमोनिम्स देखते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना बहुत ईजी होगा। दो वर्ड से बना है। होमो का मतलब होता है सेम, निम का मतलब होता है नाम। ठीक, तो जो वर्ड्स एक जैसे नाम के होते हैं, सुनने में एक जैसा नाम जिनका होता है, उनको हम होमोनिम्स कहते हैं। जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनंसिएशन सेम होता है, लेकिन मीनिंग अलग होती है, मीनिंग उनकी अलग होगी। ऑब्वियसली बात है कि जब दो वर्ड्स होंगे, दोनों की अगर स्पेलिंग सेम है, ऑलमोस्ट प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, तो मीनिंग तो डिफरेंट हो गई, तभी वो अलग अलग वर्ड्स हैं। तो ये ब्रॉडर कैटेगरी हो गई होमोनिम्स की। होमोनिम्स को इंटरप्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसको इंटरप्रेट करने के लिए हमें उसका कॉन्टेक्स्ट समझना सबसे पहले जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि किस बारे में बात हो रही है, किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, स्पोकन में और रिटन में जब हम बात कर रहे हैं कि सेम स्पेलिंग हो सकती है, यानी कि रिटन में थोड़ा बहुत हमें कंफ्यूजन हो सकता है, और सेम प्रोनंसिएशन हो सकता है, यानी कि स्पोकन में हमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उससे हमें समझ आएगा कि कहाँ पे क्या स्पेलिंग यूज हो रही है, कहाँ पे क्या प्रोनंसिएशन यूज हो रहा है। तो अभी जब हम होमोफोन्स और होमोग्राफ्स देखेंगे तब ये चीज और क्लियर हो जाएगी। अभी देखिए, होमोनिम्स जो होते हैं ये एक ब्रॉडर कैटेगरी है, इनके ही सब पार्ट्स हैं होमोफोन्स और होमोग्राफ्स। बहुत ही सिंपल था ये भी। तो चलिए जल्दी से अब हम पहले होमोफोन्स देख लेते हैं क्या होते हैं। तो होमोफोन्स अगेन दो वर्ड से मिलके बना है। होमो का मतलब होता है सेम, और फोन का मतलब होता है साउंड या फिर वॉइस। जब भी किसी का कॉल आता है या कहीं पे हम बात करते हैं, फोन से बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां पे हम कान से लगाते हैं, उसको साउंड सुनते हैं या वॉइस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉइस या साउंड का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि जिनका प्रोनंसिएशन सेम है वो आपके होमोफोन्स हो गए। आगे देख लेते हैं। तो देखिए, इसका डेफिनेशन में भी यही दिया है कि जिनका साउंड एक जैसा होता है, अलाइक होता है, लेकिन मीनिंग्स अलग अलग होते हैं, और ज्यादातर स्पेलिंग्स भी अलग अलग होती हैं। मतलब कोई जरूरी नहीं है, बट ज्यादातर ऑफनली हमारे जो स्पेलिंग्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि वर्ड है फ्लावर। ठीक है, एक फ्लावर का मतलब होता है फूल, जो आप हम सब लोग जानते हैं, चाहे वो गुलाब का फूल हो, कमल का फूल हो, उसको हम फ्लावर कहते हैं। दूसरा जो फ्लावर होता है उसका मतलब होता है आटा। जैसे कि गेहूं के आटे को हम व्हीट फ्लावर कहते हैं, या ज्वार के आटे को हम ज्वार फ्लावर कहते हैं। तो इस तरह से ये एक ही साउंड कर रहा है फ्लावर, लेकिन उसके दो अलग अलग मीनिंग है। तो अब हमको ये समझना है कि कहाँ पे कौन सी स्पेलिंग आएगी। उसके लिए एक तो प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, दूसरा हमें ये समझना पड़ेगा सेंटेंस को सुन करके कि किस चीज की बात हो रही है। अब हम अगर बोलेंगे द फ्लावर इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड इट हैज सच एन एक्सीलेंट फ्रेग्रेंस, या खुशबू की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे हम फूल वाले फ्लावर की बात कर रहे हैं। या हम कहेंगे कि आई हैव यूज्ड द फ्लावर टू बेक अ केक, या टू नीड द डो। तो इस तरह से जब हम आटा गूंथने की बात करेंगे, तो वहां पे हम कौन सा फ्लावर यूज कर रहे हैं, हम आटे वाला फ्लावर यूज कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तब हम होमोफोन्स को सही तरीके से समझ पाएंगे। दूसरा वर्ड देख लेते हैं, सन। एक सन का मतलब होता है सूरज, दूसरे सन का मतलब होता है बेटा। अब यहाँ पे भी ऑब्वियस सी बात है, सेंटेंस से ही हमको समझ आएगा कि जैसे मान लीजिए कोई फादर बोल रहा है कि माय सन हैज क्लियर्ड यूपीएससी एग्जाम, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने बेटे की बात कर रहा है, ना कि सूरज की बात कर रहा है। और अगर हम कहेंगे द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई,
तो हम वहां पे क्या बात कर रहे हैं कि आसमान में कौन सा वो बेटा तो चमकेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि सूरज ही चमकेगा। तो ये हमको इस तरह से समझ आता है कि कौन सी स्पेलिंग या कौन सा सन कहाँ यूज हो रहा है, या होमोफोन्स में कौन सा वर्ड कहाँ यूज हो रहा है। आगे और भी आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, और भी ज्यादा आपको क्लियर होता चला जाएगा जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो होमोफोन्स जो होते हैं वो ऑब्वियस सी बात है जो स्पोकन लैंग्वेज है उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, प्रोनंसिएशन की बात हो रही है, बट मीनिंग अलग अलग है। तो इसलिए होमोफोन्स को कम्युनिकेशन में, क्लियर कम्युनिकेशन में पहचानना बहुत जरूरी है कि सामने वाला किस बारे में आपसे बात कर रहा है और वहां पे उसने किस फ्लावर का या किस सन का इस्तेमाल किया है। अब हम होमोग्राफ्स डिस्कस कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। अगेन ये भी दो ही शब्दों से मिलकर बना है जिसमें होमो का वही सेम मतलब हो गया है सेम, और ग्राफ का मतलब होता है रिटन या राइटिंग। ग्राफ कहीं भी आप वर्ड सुनिएगा उसका मतलब सीधे से आप समझ लीजिएगा कि ग्राफ का मतलब या तो राइटिंग की या रिटन कोई भी चीज लिखने की बात हो रही है, लिखने के बारे में बात हो रही है, ग्राफ का यही मतलब होता है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। भाई जब लिखने की बात है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम स्पेलिंग्स की ही बात करेंगे, तो इसमें स्पेलिंग सेम होती है, अगेन मीनिंग डिफरेंट ही होगा, और ऑफन यानी कि ज्यादातर क्या होता है ऑफनली प्रोनंसिएशन भी डिफरेंट होता है। कोई जरूरी नहीं है बट कुछ केसेस में होता है अलग प्रोनंसिएशन, कुछ केसेस में नहीं भी होता है प्रोनंसिएशन डिफरेंट। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसके भी एग्जाम्पल्स। जैसे कि मान लीजिए वर्ड है, ये दोनों स्पेलिंग्स आप देखिए जो आपके सामने है, दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, LEAD। अब दोनों का प्रोनंसिएशन डिफरेंट है। ये जो वर्ड है, ये स्पेलिंग जो है, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे लीड। ठीक है, लीड का मतलब होता है गाइडेंस देना या गाइड करना। ठीक, और दूसरा जो ये स्पेलिंग है LEAD, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे लेड। लेड का मतलब होता है एक हैवी मेटल। तो यहाँ पे फिर अगेन वही बात हो गई कि जहां बातचीत हो रही है वहां पे किस बारे में बात हो रही है उसको आपको समझ में आ जाएगा, उससे क्लियर हो जाएगा कि लीड वर्ड बोला जा रहा है या फिर लेड वर्ड बोला जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये स्पेलिंग है BOW, एक का हम प्रोनाउंस करते हैं बाओ। बाओ का मतलब होता है किसी के आगे सम्मान में झुकना, जैसे कि रिस्पेक्ट में जब हम किसी के आगे झुकते हैं या सिर झुकाते हैं उसको बाओ करना कहते हैं। और दूसरी जो स्पेलिंग है उसको हम बोलते हैं बो। बो का मतलब होता है हम बो पहनते हैं, वो बो हो गया। तो स्पेलिंग्स दोनों की ही सेम है लेकिन यहाँ पे प्रोनंसिएशन डिफरेंट है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑफन डिफरेंट होता है प्रोनंसिएशन, कोई जरूरी भी नहीं है और हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आगे ऐसे आपको और भी वर्ड्स मिलेंगे जो बोले भी वैसे ही जाते हैं और स्पेलिंग भी सेम होती है, बस मीनिंग डिफरेंट होता है। तो होमोग्राफ्स में किस चीज में कंफ्यूजन आता है, आपके रिटन कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन होता है क्योंकि वो लिखावट में होता है, उसमें स्पेलिंग्स की बात होती है। अब आप बोलेंगे जब स्पेलिंग सेम होती है तो क्या दिक्कत है, स्पेलिंग सेम होती है आप सेम स्पेलिंग लिख सकते हैं, लेकिन जो सेंटेंस होगा उसमें आपको उस हिसाब से जब प्रोनाउंस करना होगा तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि किसकी बात हो रही है, कि लीड की बात हो रही है गाइड करने की बात हो रही है या लेड मेटल की बात हो रही है। तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को समझने से और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। एक समराइज्ड चीज हम देख लेते हैं कि अब तक जो हमने पढ़ा है इन दोनों चीजों के बारे में, इनफैक्ट तीनों चीजों के बारे में, उसको एक समरी फॉर्म में देख लेते हैं। तो ये जो अगली स्लाइड है आपको बिल्कुल दिमाग में आपके पिक्चर बन जाएगी, तो आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जब भी होमोफोन्स या होमोग्राफ्स की बात होगी। तो इसमें देख लेते हैं, देखिए ब्रॉडर टर्म है होमोनिम्स। होमोनिम्स का एक पार्ट हो गया होमोफोन्स। होमोफोन्स में अगेन होमो का मतलब सेम, फोन का मतलब साउंड या वॉइस। ठीक, होमोग्राफ्स अगेन दूसरा पार्ट है, इसमें भी होमो का मतलब सेम, और ग्राफ जो वर्ड है उसका मतलब होता है राइटिंग या रिटन। होमोफोन्स में प्रोनंसिएशन सेम होता है, मीनिंग अलग होती है और स्पेलिंग अलग होती है। होमोग्राफ्स में स्पेलिंग एक सी होती है, मीनिंग अलग होता है और प्रोनंसिएशन अलग होता है। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में क्या है कि जो हमारी मीनिंग है, ठीक है, ये जो मीनिंग है हमारी, ये दोनों ही केसेस में डिफरेंट होगी, लेकिन ये दोनों चीजें इंटरचेंज हो जाएंगी। होमोफोन्स में प्रोनंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग, और होमोग्राफ में स्पेलिंग सेम,
प्रोनाउंसिएशन अलग। अब आप सोचेंगे कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से में स्पेलिंग सेम है, कौन से में प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आप बस इस चीज से याद रखिए कि फोन जब हम किसी को करते हैं, फोन करने का क्या मतलब होता है, ऑडियो हम सुनते हैं, तो वहां पे साउंड की बात आ गई, वॉइस की बात आ गई। और ग्राफ का क्या मतलब होता है, ग्राफ का मतलब हमें मालूम है कि राइटिंग होता है या रिटन फॉर्म में होता है, तो वहां पे स्पेलिंग आ गई। तो जैसे ही आप वो होमोफोन या होमोग्राफ कुछ भी एक सुनेंगे ना, आपको यही क्लियर हो जाएगा कि बात किसकी हो रही है, प्रोनाउंसिएशन की हो रही है कि स्पेलिंग की हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनका यूसेज देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो और भी हमें क्लियर हो जाएगा होमोफोन्स और होमोग्राफ्स के बारे में। अब जैसे कि वर्ड है टू, ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक ही साउंड के, एक ही प्रोनाउंसिएशन के तीन वर्ड्स दिख रहे हैं, टी डब्ल्यू ओ टू, टी ओ ओ टू, टी ओ भी टू, तीनों को ही टू बोलते हैं। लेकिन जो पहले वाला टू है उसका आप एग्जांपल देख लीजिए, आई हैव टू एप्पल्स, यहाँ पे हम नंबर की बात कर रहे हैं कि मेरे पास दो सेब हैं। दूसरा वाला जो टू है उसका मतलब होता है भी, कैन आई कम टू, क्या मैं भी आ सकता हूँ, भी मतलब होता है टी ओ ओ टू का। और अब ये तीसरा वाला जो टू है, टी ओ वाला टू, वो हम देख लेते हैं, तो ये एक प्रेपोजिशन है जिसको हम ये दिखाने के लिए शो करते हैं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, वी आर गोइंग टू द पार्क, हम पार्क में जा रहे हैं, तो ये दिखाने के लिए हम इस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, टी ओ का। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, ये तीन जो सामने आपके अलग अलग स्पेलिंग्स के वर्ड्स हैं, इनको एक ही तरह से प्रोनाउंस करते हैं, देयर, ठीक। अब ये वाला जो देयर है, टी एच ई आर ई वाला, इसका मतलब होता है लोकेशन या पोजिशन, कहाँ पे है, द कैट इज ओवर देयर, वहां पर है बिल्ली, उस लोकेशन पे है, एक हमने जगह बताई कि कहाँ पर है कैट, या माय बैग इज केप्ट ओवर देयर, मेरा बैग वहां रखा हुआ है, एक हम जगह बता रहे हैं एक पर्टिकुलर। जो दूसरा वाला देयर है टी एच ई आई आर, इन दो देयर्स में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, लोग इसकी स्पेलिंग चेंज कर देते हैं और कुछ का कुछ बन जाता है, तो आप इस चीज को प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत जल्द ही आप इस चीज को कैच कर लेंगे कि टी एच ई आर ई देयर मतलब लोकेशन, और टी एच ई आई आर का मतलब होता है उनका या उनकी, बिलोंगिंगनेस दिखाता है। जैसे कि देयर हाउस इज पेंटेड ब्लू, उनका घर ब्लू कलर से पेंट हुआ है या उनके घर में ब्लू कलर से पुताई हुई है, तो उनका या उनकी पोजेशन दिखाने के लिए हम आई वाला जो देयर है उसको यूज करते हैं, और टी एच ई आर ई वाला जो देयर है जिसमें आई नहीं है उसको हम लोकेशन के लिए शो करते हैं। अभी जो तीसरा वाला देयर है ये देख लेते हैं, अगर आपने अपोस्ट्रोफी और सिंकपी वाला जो मेरा वीडियो है वो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो देयर है ये दे आर, ठीक है, दे आर को हमने शॉर्ट करके देयर लिख दिया है। They're going on vacation next week, यानी कि they are, वो लोग अगले हफ्ते वेकेशन के लिए जा रहे हैं या छुट्टी के लिए जा रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं, तो इस they are को हमने शॉर्ट करके they're लिख दिया, they're going to the vacation या they're going to the market, इस तरह से। तो ये तीनों ही they're का कहाँ यूज होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम होमोग्राफ्स को देख लेते हैं जिनमें स्पेलिंग और कभी कभी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है बट मीनिंग डिफरेंट होता है। पहला वर्ड है कंटेंट, एक कंटेंट का मतलब होता है सैटिस्फाइड, यानी कि संतोष करना, अपने आप में संतुष्ट होना। दूसरे कंटेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, कि किस कंटेंट, किस बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि शी फेल्ट कंटेंट विद हर वर्क, यानी कि वो अपने काम से संतुष्ट है, वो अपने काम से सैटिस्फाइड है कि जो भी उसने किया है। दूसरा है द कंटेंट ऑफ द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, यानी कि इस बुक का जो कंटेंट है, यानी कि जो सब्जेक्ट टॉपिक है, सब्जेक्ट मैटर है इस बुक का, किस बारे में ये किताब है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है डिसअग्री करना, यानी कि उसका विरोध करना, उसके बारे में हम सहमत नहीं है। और दूसरे ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई चीज, कोई भी, एनीथिंग, ठीक है। जैसे कि आई ऑब्जेक्ट टू दैट स्टेटमेंट, मैं उस स्टेटमेंट का या जो भी कहा गया है मैं उसका विरोध करता हूँ। दूसरा है व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि ये चीज क्या है, क्या थिंग है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट का अलग अलग हमको मीनिंग पता चला। तीसरा अगेन हम लोग लीड और लेड को देखेंगे, यहां पर प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, बाकी दोनों में प्रोनाउंसिएशन भी सेम था, इसमें प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। जैसे कि ये वाला जो लीड है इसको गाइडेंस कहते हैं, और ये जो है वो लेड है उसको हम मेटल कहते हैं। कैन यू लीड अस टू द म्यूजियम, अब जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे बोलना है, तो अब आप देखिए क्या लिखा है,
कैन यू, मान लीजिए जिसको हमने डैश बोल दिया, कैन यू डैश अस टू द म्यूजियम. अब हमें म्यूजियम तक ले जाने की बात कर रहा है, म्यूजियम तक ले जाने यानी कि गाइड करने की बात कर रहा है, दिशा दिखाने की बात कर रहा है. तो हमको मालूम है कि दिशा दिखाने वाले LEAD को हम लीड कहते हैं, तो हम बोलेंगे कैन यू लीड अस टू द म्यूजियम. दूसरा हमने देखा क्या एग्जाम्पल है, द पेंसिल कंटेन्स LEAD. अब हमने कहा पेंसिल में LEAD होता है, ये इसको कैसे बोलेंगे, क्या इसको लीड बोलेंगे? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि पेंसिल में जो वो होता है वो मेटल होता है, उसको क्या बुलाते हैं हम, लेड बुलाते हैं. तो हम क्या बोलेंगे, द पेंसिल कंटेन्स लेड. तो इस तरह से हमको कॉन्टेक्स्ट से समझ आएगा कि हमको कैसे प्रोनाउंस करना है या कैसे मीनिंग को समझना है. तो ये वीडियो इतना ही था. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को. सो बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक अलग से इंटरेस्टिंग से ग्रामर के टॉपिक के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय.